खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मिर्दान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। वीजा और मास्टर कार्ड पर क्यों चला आरबीआई का डंडा? आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को किस बात के लिए किया अलर्ट? HCL कर्मचारियों के लिए हुआ क्या अनिवार्य, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। वीजा और मास्टर कार्ड जैसे इंटरनेशनल पेमेंट मर्चेंट्स को भारत में बड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक ने वीजा और मास्टर कार्ड पर एक्शन लेते हुए उन्हें कार्ड से बिजनेस पेमेंट या कमर्शियल पेमेंट रोकने के लिए कहा है। रिजर्व बैंक ने उन्हें अगले नोटिस तक बिजनेस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के सभी ट्रांजैक्शन को सस्पेंड करने के लिए कहा है। एक्शन के बाद दोनों पेमेंट मर्चेंट्स के सीनियर ऑफिसर्स ने सेंट्रल बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की है। कार्ड पेमेंट्स में वैल्यू के हिसाब से वीजा और मास्टर कार्ड का दबदबा है। ये एक्शन 8 फरवरी को लिया गया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से सेक्टर में बढ़ते जोखिमों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। गवर्नर ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों की मैनेजिंग डायरेक्टर्स और CEO के साथ बैठक की। ऐसी आखिरी बैठक 11 जुलाई 2023 को हुई थी। ये RBI की बैंकों, NBFC और उसके दायरे में आने वाली दूसरी इकाइयों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निरंतर बातचीत करने की मुहिम का हिस्सा है। RBI ने बयान में कहा है कि गवर्नर ने बैंकों के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में पेटीएम से जुड़ी खबर है। संकट में फंसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। कंपनी ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए शाम को कहा कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने हमेशा अधिकारियों को जांच में सहयोग दिया है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि पेमेंट्स बैंक ने कभी भी विदेश पैसा भेजने का काम नहीं किया है। कंपनी ने आधिकारिक बयान में कहा कि 197 कम्युनिकेशंस और उसकी सहयोगी कंपनियों ने ईडी समेत सभी एजेंसियों को सूचना, दस्तावेज और बयान दिए हैं। हमारी सहयोगी कंपनियां सभी तरह के सवालों के जवाब दे रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस नहीं करता है। बीमा नियामक इरडा ने इंश्योरेंस कंपनी के नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने पर पॉलिसी को वापस करने की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही नियामक ने जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए नॉमिनी को अनिवार्य बनाने को भी कहा है। मौजूदा समय में कोई भी बीमा धारक नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तारीख से 15 दिनों की फ्री लुक अवधि के भीतर उससे अलग हो सकता है। हालांकि अगर पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई है तो यह अवधि 30 दिन है। एडा ने इन प्रस्तावों पर 4 मार्च तक राय मांगी है। अब अगली खबर पेटीएम फास्टैग से जुड़ी है। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसा जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसे चेंज करना होगा। आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आपको 2 गुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर 2 गुना टोल देना होता है। हालांकि 29 फरवरी से पहले आप जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे उसे आप 29 फरवरी के बाद भी खर्च कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा फास्टैग यूजर्स हैं। अब टेक कंपनी HCL के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। HCL टेक ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आने को कहा है। ऐसा ना करने पर उन्हें 19 फरवरी से कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। HCL टेक भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। दूसरी कंपनियों की बात करें तो TCS ने कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन, इन्फोसिस ने महीने में 10 दिन, विप्रो ने हफ्ते में 3 दिन ऑफिस से काम करने को कंपलसरी कर दिया है। HCL टेक में ग्लोबल हेड पीपल फंक्शन यानी कि DFS विकास शर्मा ने कहा कि सभी DFS कर्मचारियों को उनके लिए निर्धारित HCL टेक ऑफिस से हफ्ते में कम से कम 3 दिन काम करना होगा, फिर चाहे उनका बैंड कुछ भी हो। HCL टेक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी हाइब्रिड वर्क मॉडल का पालन करती है जिसमें कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस से काम करना होगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।